हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में हमने एक पहले लेक्चर बनाया। ये लेक्चर टू है, दिस इज लेक्चर टू। लेक्चर वन अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी है और इंट्रोडक्टरी चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपका बेस रेडी होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको कमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे और विदाउट डिले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की, जो प्रीवियस लेक्चर था, कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में एक वर्ड आता है डाउरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, दहेज। दहेज जो है एक उर्दू के शब्द से बना है, जिसका दहेज, ठीक है। अब दहेज की प्रथा हमने पहले बात की कि सनातन में, हिंदुत्व में, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कितने टाइप ऑफ मैरिज हैं। यहां पे डाउरी सिस्टम पहले नहीं था, बट सोसाइटी के चेंज के साथ साथ इस सोशल इविल ने जन्म लिया। अब डाउरी को हमने कैसे डिवाइड किया था कि आपको क्या देना है, कैसे देना है, किसको देना है और कब देना है, ठीक है। यानी क्या देना है, यहां पे आप प्रॉपर्टी दे सकते हो या फिर आप क्या दे सकते हो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये या तो दे दी जाए या एग्रीमेंट हो जाए देने का। कैसे दी जाए भाई, या तो डायरेक्टली दे दो या इनडायरेक्टली दे दो। किसके द्वारा दी जाए और किसको दी जाए भाई, कौन देगा किसको देगा भाई, एक पार्टी टू मैरिज दूसरी पार्टी को, या किसी एक के पेरेंट्स दूसरी के पेरेंट्स को, या किसी एक की तरफ से किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष के किसी भी व्यक्ति को, उसे हम क्या करो, कब दिया जाए भाई, मैरिज के टाइम पे, या तो शादी से पहले, या शादी के समय, या शादी के बाद कभी भी, चाहे शादी के बाद 50 साल हो गए हों, उसे भी दहेज की परिभाषा में लिया जाएगा। डॉवर यानी कि जिसे हम मेहर कहते हैं मुस्लिम लॉ में, वो दहेज के कैटेगरी में नहीं आता है। ये हमने डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कल पढ़ी थी। टोटल 10 सेक्शन है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और इसका जो नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट रहेगा, ये कब इन्फोर्समेंट में आया था, तो 1 जुलाई 1961 को ये इन्फोर्समेंट में आया था, ठीक है। और 20 मई दूसरी डेट भी याद है ना आपको, 20 मई 1961 जो है इसका इनेक्टमेंट डेट है, जिसने प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया। डाउरी की डेफिनेशन अभी हमने कवर किया है। अब आज हम बात करेंगे बाकी सभी रिमेनिंग सेक्शंस की, यानी कि हमने क्या किया कि वी अडॉप्ट डाउरी वर्ड एज एन ऑफेंस। ये एक अपराध है, अपराध है तो इसकी पेनल्टी पनिशमेंट्स, ठीक है, डिमांड करेगा, देगा लेगा या एडवर्टाइजमेंट करेगा, तीन तरह की तो पनिशमेंट है। और अगर कोई एग्रीमेंट है तो दैट बिकम वॉइड, रीड विद सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अगर किसी ने दहेज ले लिया है तो एक समय सीमा दे दीजिए कि गलती होगी सुधार लो, 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ्स वापिस कर दो उस महिला को, उसके हायर्स को, उसके बेनिफिट के लिए। कॉग्निजेंस कौन लेगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा। अब ये वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आ गई, सीआरपीसी 1973, ठीक है, इनको भी आपको साथ साथ पढ़ना है। ऑफेंस का नेचर कैसा, कॉग्निजेबल 2C ऑफ सीआरपीसी 1973, जहां पुलिस आपको बिना किसी वारंट गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। ये बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। 8A और 8B दो सेक्शन डाले गए हैं यहाँ पे। रूल कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो अलग से दे दिया गया, इतना ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि डाउरी जो है ये क्या है, ऑफेंस है, अपराध है, तो इसके लिए क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। एक वर्ड पनिशमेंट से आप इसमें चार्ट बना लीजिएगा, आप इस चार्ट को, ये चार्ट आपके, बस इस चार्ट से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चार्ट ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पनिशमेंट दो है यहाँ पे, एक है कि कोई दहेज दे रहा है, अब कोई दे रहा है तो कोई ले भी तो रहा है भाई। लड़के वाले कहते हैं कि हम तो लड़की को एक जोड़ी कपड़े में ले जाएंगे, हमें नहीं चाहिए दहेज, तो देने वाला देता रहे, लेगा ही नहीं तो अपराध कैसे होगा, ठीक है। तो गिविंग के साथ में टेकिंग भी है। दूसरा क्या आता है यहाँ पे भाई, कोई लोग कहते हैं कि हमारे लड़के को पढ़ाए हैं, बहुत पैसा वेस्ट किए हैं इसके ऊपर, तो हमें क्या चाहिए, लड़के की कीमत चाहिए, तो वो क्या करते हैं, डाउरी की डिमांड करते हैं। अब भाई आपने देखा होगा जब रिलेटिव्स साथ में रहते हैं और शादी की बात चलती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि दहेज लो, वो क्या करते हैं, या तो वो इंस्टिगेट करेंगे, क्या करेंगे, इंस्टिगेट उकसाएंगे दहेज लेने या देने के लिए, या उसमें मदद करेंगे, इंटेंशनली एड करेंगे, या कॉन्स्पायरेसी करेंगे, षड्यंत्र करेंगे साथ में मिलकर दहेज कैसे लिया जाए। और इसको हम आईपीसी में सेक्शन 107 में क्या कहते हैं, अबेटमेंट, क्या कहते हैं, अबेटमेंट, यानी के डाउरी को लेना देना या ऐसे अपराध का अबेटमेंट करना या डाउरी डिमांड करना पनिशेबल है। इसके अलावा अगर कोई क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है कि भाई देखो हम तो इतना कपड़ा देंगे, इतना आपको पैसा देंगे, हमारे लड़की का रिश्ता कर दीजिए, हम लड़के का रिश्ता तब लेंगे जब हमें कोई इतना पैसा देगा, आपने शादी.com के ऊपर ये विज्ञापन दे दिया, तो भाई ये भी पनिशेबल है। इसको ऐड किया गया था 1986 में। अब इसके हम सेक्शंस की बात कर लेते हैं, तो जो धारा 3 है, सेक्शन 3 है, ये डाउरी का लेना और देना पनिशेबल बनाता है, और जो धारा 4 है ये आपका डिमांडिंग डाउरी पनिशेबल बनाता है, और सेक्शन 4A जो कब ऐड किया गया 1986 में, ये उसको पनिशेबल बनाता है, ठीक है। तो अब इस पनिशमेंट को थोड़ा सा हम क्लियर वे में समझेंगे। देखिए अब पनिशमेंट मिलेगी किसको, कितनी, अगर धारा 3 के तहत कोई दहेज लेता है, देता है या ऐसा अबेटमेंट करता है, तो उसकी जो सजा होगी वो मिनिमम, कम से कम सजा मिलेगी उतनी, 5 साल के लिए। दहेज लेना या देना कानूनी जुर्म है, इसके लिए 5 साल की सजा है, कहां बताया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के धारा 3 में। साथ में प्लस फाइन लगेगा उसके ऊपर। फाइन कितना, फाइन प्लस में है, एंड है यहां पे, प्लस का मतलब होता है एंड, सजा तो होगी, साथ में जुर्माना भी लगेगा, 15,000 रुपए, कितने, 15,000 रुपए, या फिर 15,000 के अलावा एक ऑप्शन और है यहां पे, या और ये फाइन का और है, फाइन कितना होगा, या तो 15,000 होगा या वैल्यू ऑफ डाउरी विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगी वो मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी, अगर कोई डिमांड करता है डाउरी, डिमांड करेगा तो भाई देखो अभी तक दिया नहीं गया है और ना ही लिया गया है, सिर्फ डिमांड की गई है, तो उस केस में सजा होगी वो मिनिमम 6 मंथ होगी, और कहां तक जाएगी, ये अप टू 2 ईयर्स, भाई कम से कम 6 महीने सजा देनी ही देनी है, और 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ में प्लस आ गया तो एंड आ गया, उसको फाइन लगेगा, कितना, 10,000 रुपीज, और 10,000 का जुर्माना, क्योंकि यहां डाउरी की वैल्यू वाली बात ही नहीं आती, तो यहां पे डाउरी वैल्यू नहीं आएगी, डाउरी अभी दिया ली नहीं गई है, समझ गए दोनों चीजों को आप। अब एडवर्टाइजमेंट के केस में क्या होगा, अब आपने भी विज्ञापन दे दिया है तो भी देखिए क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, धारा 4 के तहत, यानी सेक्शन 4A, इसे 1986 में ऐड किया गया था, एक तो ये आपका एमसीक्यू हो गया, और सजा कितनी मिल सकती है, कितनी सजा का प्रावधान है यहां पे, तो भाई मिनिमम जो मिलेगी वो आपको 6 मंथ, 6 महीने की कम से कम, एंड अप टू कितना, 5 ईयर्स, 5 साल तक की सजा दे सकते हैं, या फिर सजा दिए बिना और, यहां और है, फाइन में भी छोड़ सकता है, सिर्फ फाइन में, कितना फाइन लगेगा, 15,000 रुपए का फाइन लगेगा, ठीक है। तो तीनों सजाएं आपको क्लियर होगी, 3 तरह की सजा है, तीनों सजा को यहां देखिए, यहां लिखेंगे हम सेक्शन
यहां पे लिखेंगे आपका ऑफेंस और यहां लिखेंगे उसका पनिशमेंट, पनिशमेंट। सेक्शन 3 गिविंग और टेकिंग, पनिशमेंट कितना होगा भाई, मिनिमम होगा 5 साल तक, कम से कम इतना सजा देना ही है, प्लस में फाइन लगेगा ₹15,000 या फिर क्या होगा वैल्यू ऑफ डाउरी विच एवर इज मोर। अगर दहेज की जो कीमत है, जो सामान दिया गया है उसकी कीमत 15,000 से ज्यादा है तो उतना अमाउंट लगेगा, ठीक है। अब सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 कहता है कि भाई अगर कोई डिमांड करता है, डिमांडिंग के केस में क्या होगा, डिमांडिंग के केस में मिनिमम सजा जो मिलेगी वो 6 महीने की मिलेगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है 2 साल तक, और साथ में आपको फाइन लगेगा ₹10,000 का, ठीक है। और 4A जिसे इंसर्ट किया गया 1986 में, यहां पे क्या होगा, जो आपका एडवर्टाइजमेंट कोई करता है, एडवर्टाइजमेंट फॉर डाउरी, ठीक है, डाउरी लेने के लिए करे या देने के लिए करे, तो उस केस में जो मिनिमम सजा होगी वो 6 मंथ होगी, और उसे बढ़ा सकते हैं हम कहां तक, अपने 5 साल तक बढ़ा सकते हैं, या फिर और एक यही सजा जिसमें और में फाइन है, आपको ₹15,000 के फाइन के साथ छोड़ा जा सकता है। अब तीनों ही इसमें, तीनों में, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, अगर कोर्ट चाहे तो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके जो मिनिमम सजा है ना, इससे कम सजा भी दे सकती है, बट उसको वहां पे स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज आती है सेक्शन 3 को हम थोड़ा सा डील करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। अब देखिए, आप जब लड़की रिसेप्शन पे बैठती है तो उस टाइम क्या होता है भाई, उसको लोग प्रेजेंट्स भी देते हैं, तो क्या वो प्रेजेंट्स भी डाउरी की इसमें कंडीशन में आएंगे, तो ऐसे कोई भी प्रेजेंट जो है वो ब्राइड को दिए जाए या ब्राइड ग्रूम को दिए जाए, दुल्हा या दुल्हन को दिए जाए, वो भी किसी की एक्सेसिव लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए, तो उनको दहेज में काउंट नहीं किया गया, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे क्या आती है, दूसरा इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पे दो प्रोविजन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि शादी के समय बिना किसी डिमांड के जो भी आपने दिया है उसे हम प्रेजेंट समझेंगे, स्त्री धन माना जाएगा, और उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी जैसा कि डाउरी के रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से। ऐसे ही भाई जो दूसरे लोगों ने गिफ्ट दिए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा गिफ्ट दिया गया है पेरेंट्स के द्वारा जो उनकी लिमिट से बाहर है, तो वो इसमें जो है काउंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 4 में भी यही आ जाता है प्रोवाइजो कि भाई कोर्ट चाहे तो रीजन रिकॉर्ड करके कम सजा दे सकता है, ठीक है। अब इस पे मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आपने सेक्शन 3, 4 या 4A में, अभी 4 या 4A को साइड में रखते हैं, थोड़ा 3 में देखिए, गिविंग और टेकिंग, 4 को भी लेते हैं डिमांड में, इनके साथ आपने क्या किया, आपने क्रुएलिटी की है, तो भैया फिर आप इंडियन पिनल कोड 498A का भी सजा मिलेगी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया था उदय नारायण वाले केस में कि जो ऑफेंस आपने डाउरी एक्ट में किया है वो और ये दोनों आपको अलग अलग सजा मिलेंगी। दोनों अपराध अलग है, डिमांड करना लेना देना अलग है, और उसके साथ क्रुएलिटी करना अलग है। और अगर देखिए कोई दहेज के लालची लड़की को हत्या कर देते हैं तो उस केस में आईपीसी का 304B जो है एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड के दोनों सेक्शन को हमने आईपीसी में अच्छे से पढ़ा था, एक बार उनको जरूर रेफर कीजिएगा इसके साथ साथ में। अब अगली बात क्या आती है कि भाई ऑफेंस तो हो गया, ऑफेंस हुआ, क्या हुआ डाउरी, और ऑफेंस उसमें क्या क्या आ गया, हमने कहा कि जी गिविंग टेकिंग, और आपका साथ में क्या आ गया, गिविंग टेकिंग डिमांड एंड एडवर्टाइजमेंट, 3 तरह के ऑफेंस आए। अभी ऑफेंस का जो है कॉग्निजेंस कौन लेगा, संज्ञान कोर्ट कैसे लेगी, तो भैया कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आपको याद आ रहा है सीआरपीसी सेक्शन 8 और सेक्शन 16, ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये दोनों इसका संज्ञान ले सकते हैं, एमसीक्यू साइड से इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 3, 4, 4A हो गया आपका, साथ में सेक्शन 7 हो गया। अब आते हैं
कि मान लीजिए हमने कहा डाउरी की डेफिनेशन में कि किसी ने दिया या नहीं दिया, तो उस केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा सेक्शन 5 कि जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या आती है कि ऑफेंस का नेचर कैसा होगा। कॉग्निजेंस ले लिया तो भैया धारा 8 सेक्शन 8 ये बताता है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है। किस नेचर का है? कॉग्निजेबल है, बेलेबल है एंड नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक है, अब देखिए आपका कितनी चीजें कवर हो गई हैं। सेक्शन 3, 4, 4A ऑफेंस को बता दिया, उनकी पनिशमेंट बता दी। ठीक है, सेक्शन 5 ने कहा कि जो एग्रीमेंट आपने किया ना भाई, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7 ने कह दिया कि कॉग्निजेंस कौन लेगा, कौन सा कोर्ट लेगा, जेएमएफसी मेट्रोपॉलिटन। सेक्शन 8 ने कह दिया कॉग्निजेबल होगा, अवेलेबल होगा, यानी पुलिस वाला बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकेगा आपको, बेल मिल सकती है, और भैया नॉन कंपाउंडेबल है, पार्टी आपस में समझौता नहीं कर सकती कोर्ट के बिना। ठीक है, कंपाउंडेबल समझौता नहीं हो सकता। अब एक सेक्शन आता है 6। सेक्शन 6 क्या कहता है कि मान लीजिए सेक्शन 6 कहता है कि किस आपने कहा स्त्री धन, एक बात आई थी स्त्री धन की, अगर कोई इस तरह का डाउरी कोई ऐसा ले लिया गया है तो फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट वुमेन और द हेयर्स ऑफ दैट वुमेन, उसके जो वारिसान है या उस महिला है उसको आपको क्या करना है, टाइम लिमिट दे दी गई है कि 3 महीने के अंदर, कब, अगर डाउरी रिसीव की गई है बिफोर मैरिज, कंडीशन देखिए यहां पे, अगर बिफोर मैरिज की गई है, बिफोर मैरिज शादी से पहले दहेज ले लिया, तो शादी की डेट से, कब से, जिस दिन शादी की क्या है सालगिरह है, शादी की जो आपकी तारीख है वो डेट है, उस दिन से 3 महीने के अंदर वो आपको वापस करना है, या डाउरी रिसीव की गई है जब महिला जो है माइनर थी। इस केस में क्या है, महिला माइनर थी, वुमेन इज माइनर, इन दैट केस जैसे ही वो अटेन कर लेती है, क्या अटेन कर लेती है, मेजोरिटी अटेन कर लेती है, भाई लड़की 15 साल की या 18 की जिस दिन हो जाएगी उसके 3 महीने के अंदर आपको देना है। ठीक है, एंड इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट वुमेन, अंडरस्टूड। तो ये आपका सेक्शन 6 हो गया। अब आते हैं रूल कौन बनाएगा। ठीक है, रूल देखिए सेक्शन 9 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ओके, और कौन बनाएगा साथ में, इसके साथ साथ आपका बनाएगा स्टेट को भी पावर दी गई है अंडर सेक्शन 10। सारे के सारे सेक्शन आपके कवर हो गए। अब आते हैं इसमें दो अमेंडमेंट इसकी इंपॉर्टेंट है, जिन जो हमें पता होनी चाहिए। दो अमेंडमेंट आई थी, ये कब कब आई थी, 1986 में। देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात उठने लगी वो 1983 के आसपास उठने लगी थी, ये अलग बात है कि आज इन चीजों का मिसयूज भी होने लगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम एक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इस चीज पे फिर कभी डिबेट करेंगे। अब सबसे पहली बात क्या आती है कि भाई ठीक है, एक अपराध हुआ, आपने क्या कहा कि ऑफेंस तो हुआ है, उसके लिए हमने पनिशमेंट भी निर्धारित कर दी। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की और आईपीसी की दोनों की पनिशमेंट अलग अलग मिलेंगी, वो एक साथ कैलकुलेट आइदर या और में नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है जी। अब अपराध हो गया तो इसके लिए कोई बर्डन ऑफ प्रूफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सेक्शन 101-102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको याद होगा, 1872 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके तहत बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, तो भैया जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो एक्यूज्ड के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, एक्यूज्ड के ऊपर होगा, जिस किसी ने भी सेक्शन 3 या सेक्शन 4 में अपराध किया है, यानी कि दहेज लिया है, दिया है या डिमांड की है, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसके ऊपर आरोप लगा है कि मैंने ऐसा अपराध नहीं किया है। ये कौन बताता है, ये बताता है सेक्शन 8A, और कब इंसर्ट किया गया था, 1986 में, अंडरस्टूड। फिर सेम 1986 में एक और सेक्शन इंसर्ट हुआ जिसे हमने कहा सेक्शन 8B। अब इसने कहा कि एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बनाओ यार, ऐसे नहीं काम चलेगा,
एक अधिकारी की नियुक्ति करो जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में काम करे। ठीक है, तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 8B में आता है। ये राजस्थान एमपीओ में भी पूछा जा चुका है, एमपी एपीओ में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, इंडेक्स बेस्ड ही आता है। अब इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसकी अपॉइंटमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। सो रिमेंबर दिस थिंग, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इसकी अपॉइंटमेंट करेगी, ये आपको याद रखना है। और वही स्पेसिफाई करेगी किस एरिया में काम करेगा। अंडरस्टूड? तो आपने देखा इस तरह से आपके सारे के सारे सेक्शन कवर हो जाते हैं। देखो यहां एक क्विक रिवीजन दे लेते हैं हम क्लियर करके। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट हो गया, दो डेट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, 20 मई 1961 और आपकी 1 जुलाई 1961। ठीक है, दोनों की दोनों डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि यही डेट आपको बताती है कि ये एक्ट जो है किस दिन लागू हुआ था और इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है। डाउरी की डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ ली, सेक्शन 2 में है। पेनल्टी कितनी होगी ये आपको याद रखना है, तीनों पनिशमेंट आपको याद होनी चाहिए, मिनिमम पांच साल होनी चाहिए। क्विक रिविजन कर रहे हैं हम, गिविंग टेकिंग अबेटमेंट 5 साल, फाइन 15,000 या फिर आपका डावरी का जितना वैल्यू है वो। पेनल्टी को डिमांड करता है तो भैया कम से कम 6 महीने 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक की सजा दे देंगे, प्लस में 10,000 रुपए तक का फाइन लग जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अगर कोई देता है, ये 1986 में सेक्शन ऐड हुआ था, ये भी याद रखना है। तो उस केस में क्या होगा कि भाई कम से कम 6 महीने की सजा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है और सिर्फ फाइन में भी छोड़ा जा सकता है। कॉग्निजेंस उसके बाद एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो सेक्शन 24 कहता है कि जो भाई इलीगल कोई भी अगर आप पर्पज आपका है उससे आप एग्रीमेंट करो तो वॉइड होगा, वो दैट विल बिकम अ वॉइड एग्रीमेंट। अगर किसी ने ले लिया है तो 3 महीने शादी की डेट से 3 महीने, या अगर लड़की माइनर है तो मेजोरिटी अटेन करने से 3 महीने। कॉग्निजेंस लेंगे मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कॉग्निजेबल होगा। ठीक है, ये आपका नॉन कंपाउंडेबल रहेगा। 8A और 8B इंसर्ट किए गए। ठीक है, 8A क्या कहता है यहाँ पे और 8B क्या कहता है? 8B ने तो बनाया डाउरी प्रोविजन ऑफिसर, और 8A ने यहाँ पे क्या किया है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है कि किसके ऊपर रहेगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा था भाई, जिसके खिलाफ मुकदमा आया अगर वो कोई तथ्य पेश नहीं करेगा तो उसके खिलाफ पारित कर दिया जाएगा, यानी कि एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। और डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को कौन नियुक्त करेगा? स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। सेंटर विल मेक द रूल्स, बट ये स्टेट को भी कुछ पावर दिया गया है कि वो ये सेट ऑफ रूल बना सकती है। ये आपका कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 छोटे छोटे लेक्चर, छोटा सा एक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसका एक दिन MCQ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करो। अगर आपको लगता है लगभग मेरे हिसाब से मैक्सिमम लीगल जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स होने चाहिए सभी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके IPC CRPC एविडेंस, बाकी जितने भी MP ADPO राजस्थान APO वगैरह के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सबके आपको माइनर लॉ के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो नए तरह के वीडियो बने, इनमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, तो यू आर प्लीज मोस्ट वेलकम। मेल में उन mklegal6@gmail.com। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल कराया जाता है हमारी तरफ से। और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, और अपने आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, आप उन पर भी प्लीज अपने इस MK लीगल शिक्षा फैमिली का जो चैनल है उसका लिंक शेयर करें, ताकि हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। एक लाइक जरूर प्रेस कर दिया करें अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।